और इसके अंदर सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगती है कि इसके अंदर से देख सकते हो यहाँ पे जो बसें लगी हुई है ये दिल्ली से लुधियाना जा रही है। और ये चलिए फ्रेंड्स अब मैं बताता हूँ कि लुधियाना से दिल्ली तक का कितने का किराया है वो भी। कैसे उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एस वी जर्नी। आ चुका हूँ मैं एक और नई वीडियो लेकर। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने जो कल का रूम था उसे टाटा बाय बाय करते हैं। और डिटेल मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में सारी दे दी है इसकी कि कौन सा होटल है, क्या प्राइस है और ये लुधियाना में है। तो आज जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है लुधियाना से। अभी चलते हैं फिर बताते हैं कि हम आज कहाँ जा रहे हैं, लुधियाना से कहाँ जा रहे हैं। तो निकलते हैं बाहर और मिलते हैं आपको सीधा, बताते हैं। और इसके अंदर सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगती है कि इसके अंदर आपको बाहर का व्यू बहुत अच्छा मिलता है। हम बस अड्डा, और बस अड्डा कौन सा, लुधियाना का बस अड्डा। तो यहीं से ही हमारी जर्नी आज स्टार्ट होने वाली है। तो यानी आपको पता चल गया है कि हम जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं बस से। आप देख सकते हो ये है लुधियाना का बस स्टैंड। तो यहाँ पे काफ़ी बसें मिल रही है। तो अभी देखते हैं कि हम कौन सी बस में जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो अगर आप लुधियाना आते हो तो 5 नंबर पे दिल्ली AC मतलब यहाँ पे खड़ी होती है। तो अभी तो आई नहीं है, देखते हैं। अभी वैसे कंफर्म नहीं है कि AC में जाएंगे। और इधर के साथ 4 नंबर पे चंडीगढ़ और 6 नंबर पे जो रोडवेज बस होती है जयपुर की और दिल्ली की वो 6 नंबर पे खड़ी होती है। ऐसे जो नंबर है वो डले हुए हैं सब पे। जर्नी होने वाली है वो होने वाली है लुधियाना से दिल्ली। तो अभी देखते हैं, अभी कंफर्म नहीं है कि रोडवेज से जाएंगे या AC से जाएंगे। जो भी है अभी हम जा रहे हैं रोडवेज बस से, बिकॉज जो AC बस है उसका टाइम अभी थोड़ा लेट है, 3 या 3:30 बजे बता रहे हैं कि आएगी और फिर चलने में भी मेरे हिसाब से 4 बजा देगी। तो इस बस में जाएंगे हम लुधियाना से दिल्ली। तो अंदर का दिखाता हूँ कि कैसा है सीन, और मतलब कैसा है अंदर से। तो ये है कुछ ऐसी बस है कुछ अंदर से आप देख सकते हो। ये गाड़ी चल चुकी है और टाइम हो गया है 2:15। तो देखते हैं कब तक पहुंचेंगे दिल्ली और कहां पे स्टॉपेज होगा, सब कुछ पता चलने वाला है आपको इस वीडियो में। देखा जाए अभी तो गाड़ी वैसे खाली है, तो अभी आगे भरेगी। ये देखिए पूरी अभी खाली गाड़ी है। वैसे देखा जाए सस्ती और टिकाऊ जर्नी जो होती है वो हमारी एक तरह से रोडवेज बस में ही होती है, क्योंकि जो वोल्वो होती है भैया उसका किराया बहुत ज्यादा महंगा होता है, थोड़ी यहाँ कंफर्टेबल होती है। तो ये आप देख सकते हो ये है सर हिंद का बस स्टैंड और टाइम हो गया है 3 बज गए। फ्रेंड्स अब मैं बताता हूँ कि लुधियाना से दिल्ली तक का कितने का किराया है वो भी रोडवेज बस का। ये है लुधियाना से दिल्ली तक का किराया 100 रुपये और ये दिए है 3-4% दिए है और ये भी 100 रुपये और ये है जी 40 रुपये और ये है 150 रुपये। यानी टोटल जो किराया है लुधियाना से दिल्ली तक का वो है 390 रुपये और ये है रोडवेज बस का। वैसे फ्रेंड्स देखा जाए अभी तक 1.5-2 घंटे की जर्नी हो चुकी है हमारी और अभी कुछ वैसा फील नहीं हुआ कि हाँ भाई गर्मी ज़्यादा लग रही है कुछ भी, क्योंकि तब लगती है जब गाड़ी रुक जाती है। वैसे तो देखा जाए एक तरह से हवा सही चल रही है और यार जो वोल्वो होती है वोल्वो से आधा टिकट है तो थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ेगा। बट ये है कि हाँ आप नॉर्मली कर सकते हो, बस ये है कि दिल्ली में जब पहुंचोगे ना तब जाम वगैरह लगता है, तब ज़्यादा गर्मी लगती है। पर दिल्ली तो हम रात तक ही पहुंचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखा जाए फ्रेंड्स ये जो खेतों के नज़ारे हैं ना यार, सच में ये बहुत बढ़िया लगते हैं मुझे। अब ये चीज़ आपको पता ही है दिल्ली में तो देखने को मिलती नहीं है जब इधर की साइड
जैसे कि यूपी हो गया या फिर पंजाब हो गया, तो इधर की साइड ही ज़्यादा देखने को मिलती है। ये स्टॉपेज आ चुका है और टाइम हो गया है 4 बज गए, और ये सरहिंद से थोड़ा सा आगे रोकी है, और मेरे हिसाब से ये भी नॉन स्टॉप बस होने वाली है। बिकॉज सिर्फ जो एक होता है ना, मतलब ब्रेक का जो टाइम होता है वो होता है कम से कम 20 से आधा घंटा, तो ये है इसके अंदर 10 से 15 मिनट दिए हैं बस। तो इसके इसमें क्या कर सकता है, थोड़ा बहुत देखते हैं क्या मिलता है कुछ। यहाँ पे रुकी है गगन पंजाबी ढाबा, तो यहाँ पे ये हरियाणा वाली बसें यहीं पर ही रुकती है शायद। ये देख सकते हो यहाँ पे जो बसें लगी हुई है, ये दिल्ली से लुधियाना जा रही है, और ये दिल्ली से डेरा बस्सी, और ये दिल्ली से जलंधर। तो यहाँ पे सारी एक तरह से देखा जाए हरियाणा रोडवेज ही लगी हुई है यहाँ पे बसें। ये है जी यहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच डिनर, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तेजी चलते हैं, टाइम समाप्त, 10 मिनट दिए थे बस, 10 मिनट में क्या खा ले यार क्या कर ले, बट देखते हैं क्योंकि रोडवेज बस है तो बीच बीच में बस के अंदर आते हैं कुछ देने वेने के लिए। तो चलिए चलते हैं, और देखा जाए तो ये जो है ना बस, ये जर्नी ये हमारी नॉन स्टॉप ही है एक तरह से। आया है पहला टोल, और मेरे हिसाब से ये है राजपुरा का टोल। तो जी अब आ चुके हैं अंबाला कैंट, और टाइम हो गया है 4:40, तो काफी सही टाइम पे आ गए। बात करें तो बहुत सही टाइम पे लेके आ गए हैं, मतलब 2.5 घंटे लगे हैं, और नॉर्मली शायद 3 घंटे लग जाते हैं लुधियाना से अंबाला तक, क्योंकि जो स्टॉपेज है वो बहुत कम टाइम का था। तो जर्नी में काफी मजा आ रहा है। तो जी टाइम हो रहा है 6:50, और हम आ चुके हैं पानीपत। हैं हम दिल्ली, और टाइम हो गया है 8:30। तो जिस हिसाब से मैं कह रहा था कि ये बस नॉन स्टॉप है, तो नॉन स्टॉप के हिसाब से लेके आया, मतलब आधा घंटा पहले लेके आ गया, आधा घंटे क्या मेरे हिसाब से 1 घंटा पहले। और कश्मीरी गेट आ चुके हैं, ये आप देख सकते हो, ये कश्मीरी गेट है। तो बस इसी वीडियो में तरी, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।